गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम समीरा पहावा योर कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग चैप्टर एट डेटा एंड मेमरी एंड इन लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट डेटा एंड टूडे इन दिस क्लास वी विल रीड अबाउट मेमरी वेयर डज ए कंप्यूटर स्टोर डाटा ए कंप्यूटर डाटा को डेटा को स्टोर कहाँ करता है जस्ट लाइक यू स्टोर थिंग्स इन योर मेमरी जैसे आप मेमोरी में हर चीज को सेव करते हो ए कंप्यूटर स्टोर्स ए लॉट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर जो है बहुत सारी डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है इट नेवर फॉरगेट्स द डेटा स्टोर्ड इन इट अनलेस यू रिमूव द डेटा फ्रॉम इट्स मेमोरी। अब जब तक कंप्यूटर में से कुछ भी डिलीट नहीं करते तब तक वो कंप्यूटर में वो डेटा स्टोर रहता है हम अगर कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करेंगे तो ही वो डिलीट होगा अदरवाइज वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है कहीं ना कहीं द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेटा जैसे कि हमने लेसन की स्टार्टिंग में भी रीड किया था कोई भी इंफॉमेसन होती है किसी भी बारे में तो हम उसे डेटा बोलते हैं ए कंप्यूटर स्टोर द डेटा इन इट्स मेमरी कोल्ड हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर अपनी मेमरी में डेटा को सेव करता है उस मेमरी को हम हार्ड डिस्क बोलते हैं एंड there आर many स्टोरेज डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू स्टोर द data ऑन ए computer. और भी बहुत सारी devices होती हैं जिनमें आप अपने data को स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर में चलाने के लिए बट जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे computer में means CPU पी में पहले से ही फ़िक्स होती है उसे वहाँ से हम रिमूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते वो हमारे कंप्यूटर में फिक्स रहती है और जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती हैं लाइक सी डी डी वी डी पेन ड्राइव इनमें जो अगर हम डाटा स्टोर करते हैं तो हम इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं ए हार्ड डिस्क कैन स्टोर मोर डाटा देन एनी अदर स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में सभी डिवाइसिस से ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है द डाटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर और अदर स्टोरेज डिवाइस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी जो भी डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं स्टोर करते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं बिकॉज हम उसे टच नहीं कर सकते अगर हम उसे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो हम उसे हार्ड कॉपी बोलेंगे द स्टोरेज डिवाइज आर यूज टू सेव डाटा फॉर फ्यूचर यूज़ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रीड किया था स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें नाउ स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो केयरफुली थैंक यू हैवे नाइस डे